Hello friends, you are watching Bikers Adda and I'm your Pankaj Sharma. Guys, है तो ये Bikers Adda लेकिन आज हम गाड़ी से travel कर रहे हैं और हम जा रहे हैं Lansdowne और अभी हम पहुँचे हैं बिजनौर के आसपास. गर्मी बहुत ज़्यादा है, एसी में हमें पता नहीं चल रहा है लेकिन जैसे ही एसी से बाहर निकलते हैं पता चल जाता है, सूरज अपनी गर्मी दिखा देता है. तो रोड्स अच्छी हैं, रास्ता बहुत आसानी से हमारा बीत रहा है, कट रहा है हमारा रास्ता बहुत अच्छे से क्योंकि दोस्त साथ में और जब दोस्त साथ में होते हैं तो रास्ते का पता ही नहीं चलता है कब रास्ता कट जाता है. और वैसे भी ये मेरी डेस्टिनेशन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तो इट्स गोना बी वेरी इजी फॉर अस टू रीच Lansdowne. और हम रुकते रुकाते खाते पीते मस्ती करते खेतों के बीच में से पहाड़ और पहाड़ों तक हम जा रहे हैं. ये देखिए रोड कितनी अच्छी है, दोनों तरफ पेड़ हैं. अगर आप वैली की तरफ जाओगे तो आपको ऐसे नज़ारे नहीं देखने के लिए मिलेंगे. चारों तरफ आपको हरियाली मिलेगी, फ्रेश एयर होगी. ये देखिए गाय चलती हुई रोड पे और जो आपको कहीं भी मिल जाती है. तो यहाँ के नज़ारे यार, हम लोग यहाँ पर आते किस लिए, हम लोग इसीलिए आते हैं ताकि हम नेचर को करीब से देख पाएँ, हम ये देख पाएँ कि नेचर पहले कैसे हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पर अब भी कुछ ऐसा असर है पुराने ज़माने वाली नेचर का. तो तभी हम इस चीज़ से कनेक्ट हो पाते हैं. और मैं तो वैसे भी नेचर लवर हूँ, मैं ज़मीन से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरी फैमिली एक किसान फैमिली है. तो आई लव दिस प्लेस और नॉट ओनली दिस, मैं कहीं भी जाता हूँ मुझे वो जगह बहुत अच्छी लगती है. तो पहाड़ों का मज़ा ही कुछ और है. मैं बहुत जगह ट्रैवल कर चुका हूँ ऑलरेडी और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो कि मैंने नहीं देखी हैं लेकिन मैं उनको ट्रैवल करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा अपनी आँखों से. अभी कोटद्वार से 2 किलोमीटर दूर. तो गाइस चलते फिरते हंसते खेलते घूमते घुमाते गाड़ी में सैर करते हुए हम पहुंच चुके हैं कोटद्वार. और कोटद्वार से ही नेचर ब्यूटी हमें दिखने लग जाती है. और कोटद्वार से ऊपर है फिर आपका सिद्धबली का मंदिर, हम वहां भी जाएंगे. वैसे हमारा जो मेन प्लान है वो है जाने का Lansdowne में, जो कि आपको वीडियो के टाइटल से भी पता चल गया होगा. Lansdowne एक ऐसी जगह है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है और अपनी स्कीनिक व्यू के लिए वो जानी जाती है. लोग अपने आप को रिलैक्स करने के लिए Lansdowne आते हैं और ये Lansdowne स्टार्ट होता है कोटद्वार से. कोटद्वार भी काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है. जैसे जैसे आप कोटद्वार को छोड़ते जाते हैं और आप आगे बढ़ते जाते हैं आप पहाड़ों की तरफ चलते चले जाते हैं. कोटद्वार से Lansdowne का डिस्टेंस है 45 किलोमीटर, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन रास्ते का जो व्यू है वो ऑसम मिलता है आपको, ठीक है. और फिर बड़ी का मंदिर आप देख सकते हैं, आप ये 2 किलोमीटर दूर है आपके कोटद्वार से. आप देखिए सिद्धवली के मंदिर हम पहुँच चुके हैं. मैं पहले भी कई बार यहाँ पर आ चुका हूँ तो इसका वही जीवन मतलब. चलिए गाड़ी पार्किंग में लगा के आपको कराते हैं हनुमान जी के दर्शन और देखते हैं अगर शायद कैमरा अंदर अलाउड है या नहीं है. हमने गाड़ी लगा दी है और अनफॉर्चुनेटली मंदिर अभी बंद है क्योंकि हम मेन में पहुँचे हैं तो आपके बाहर से दर्शन करा देते हैं. और अब हम निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ. हमारी मंजिल है Lansdowne जो कि यहाँ से 47 किलोमीटर दूर है, राइट. तो धीरे धीरे हम चल रहे हैं, धीरे धीरे हम चल रहे हैं और रास्ते का मज़ा लेते हुए अच्छे रास्ते अच्छे हुए हैं. देखिए नज़ारे रोड के साइड भी देखिए, उधर देखिए उधर देखिए, चारों तरफ हरियाली हरियाली है और ऐसा लग रहा है कि पहाड़ हमें हाथ चला के हमारा स्वागत कर रहे हैं और बोल रहे हैं वेलकम टू द रियल नेचर. इन चीज़ों की खूबसूरती को बयां करना इज वेरी हार्ड. यहाँ पर छोटी छोटी जगहों पर भी और छोटी छोटी पहाड़ियों पर भी आपको इतनी खूबसूरत चीज़ें दिखाई दे जाती हैं जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो कुछ वक्त लेकर आइए. भले ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने लायक नहीं है Lansdowne में, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो आपको सुकून देती हैं, वो आपको आराम देती हैं और आप टेंशन फ्री हो जाते हैं. वैसे अधिकतर लोग पहाड़ों पर आते हैं टेंशन फ्री होने के लिए, लेकिन एक चीज़ मैं और बोलूँगा, टेंशन फ्री होने के साथ साथ में यहाँ पर गंदगी मत फैलाना, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें मैंने देखी हैं लोगों ने इतनी खराब करके रखी है चारों तरफ और
तो आपकी बोटल्स पड़े हुए थे, गिलास पड़े हुए थे, मैंने अभी चीज़ें नहीं दिखाता हूँ इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ नहीं दिखाया, लेकिन अगर आप आ रहे हैं तो प्लीज़ डू नॉट ड्रिंक एंड डू नॉट थ्रो योर गार्बेज एनीवेयर। वैसे यहाँ के लोग इतने कैपेबल हैं कि आराम से मतलब उन चीज़ों को साफ कर देते हैं और यहाँ की साफ सफाई बहुत अच्छी रखते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस जगह को आप खूबसूरत बना के रखें, इस जगह को सबसे वैसे गंदा ना करें, तो हमारे लिए भी अच्छा है और नेचर के लिए भी अच्छा है। वैसे कुछ जानकारी मैं आपको लैंडस्टोन के बारे में बोलता हूँ कि टोटल आर्मी का एरिया है, कैंप एरिया है, यहाँ पर हमारी फोर्स हमारे जवान यहाँ पर लगे हुए हैं, अपने काम से कर रहे हैं और नेचर से यहाँ पर कनेक्ट होने में अपने आर्मी वालों के साथ यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ आपको सुकून ही सुकून नज़र आएगा, कोयल की चींची और चिड़ियों की चींची आपको जो एहसास देती है वो अनबिलीवेबल होता है, वो एहसास आपको मतलब कि अपने घर पे नहीं मिल पाएगा। तो आप यहाँ आइए, नेचर से कनेक्ट होइए और देखिए कि हमारे देश में क्या क्या है। ये तो आपके दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है और आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं वीकेंड पर। इसको मैं टेक अबाउट 5 to 6 hours फ्रॉम मेरठ और फ्रॉम दिल्ली, मतलब 2 घंटे और एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो और वैसे भी अब तो रास्ते इतने अच्छे हो गए हैं और साइड में इन्होंने भी स्टोन भी लगा दिए हैं, तो ज़्यादा डर भी नहीं रहता है। आप बाइक से आइए, आप गाड़ी से आइए और नेचर का मज़ा उठाइए। अब हम थोड़ी ही देर में लैंसडाउन पहुँच जाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं वहाँ के कुछ नज़ारे जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी दिखाए थे। तो भाई लोगों, हमारी एंट्री हो चुकी है अब कहाँ, लैंसडाउन में। अब देखो ये पूरा आर्मी का एरिया है, इन्होंने इतने मस्त तरीके से इसको बना के रखा है ना कि अब देख सकते हो, लेकिन मेरे कैमरे से जस्टिफाई नहीं हो पाएगा जब तक आप यहाँ पर नहीं आओगे ना और खुद अपनी आंखों से नहीं देखोगे, तब तक इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर चीज़ अपने कैमरे से जो एक्सपीरियंस मुझे हो रहा है मैं आपको सेम एक्सपीरियंस दे पाऊँ, और अगर ऐसा करने में मैं सफल रहा तो आई विल बी वेरी ग्लैड, मुझे बहुत खुशी होगी कि हाँ मैंने आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया। देखो यार, रोड कितनी क्लियर पड़ी हुई है, पूरा आर्मी वाला एरिया और लोग यहाँ पर वीकेंड को काफ़ी भीड़ होती है, लोग यहाँ घूमने आते हैं, दिल्ली से, मुंबई से, इधर उधर, मेरठ वेरठ जहाँ से भी आते हैं आते रहते हैं लोग, और यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा महंगी भी नहीं हैं। तो वैसे शॉपिंग के लिए यहाँ पर ज़्यादा शॉप्स भी नहीं है और आप खाने पीने का मज़ा उठा सकते हैं, यहाँ पर अकोमोडेशन भी अवेलेबल है, वैसे फैसिलिटीज आपको सारी मिल जाएंगी। तो अब ये सारी चीज़ें आप यहाँ आके देख सकते हैं और बाकी बाद में सोचेंगे कि अब यहाँ से कहाँ जाएँ। यहाँ से आसपास भी बहुत सारी जगह आपको घूमने फिरने वाली मिल जाएंगी। वैसे तो यहाँ ये जो आप देख रहे हैं शताब्दी द्वार है, तो गाइस इस शताब्दी द्वार के पीछे हमारे जवान परेड कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं और लैंसडाउन को ब्यूटीफुल बना के रखा हुआ है इन लोगों ने। यहाँ की सड़कें और स्टाफ और इसका सौंदर्यकरण का भी काम हमारे आर्मी की जवानी करते हैं। तो देखिए यहाँ की खूबसूरती का मज़ा लीजिए। और हम अभी पहुँच गए हैं कटिंग टॉप पे, जो यहाँ का फेमस पॉइंट है, और अभी मैं आपको सामने आकर इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा अपने फ्रेंड्स को बताते हैं। तो दोस्तों अभी हम हैं लैंसडाउन में टिफिन स्टॉप में, यहाँ का व्यू बहुत ही शानदार है, अभी आपको दिखाऊंगा।
कैसा फील कर रहे हैं यहाँ के? फीलिंग बेटर, अ लिटिल बिट कोल्डर देन एवर. इन मेरठ द टेम्परेचर इज सो ह्यूमिड एंड यू नो एयर इज सो हॉट. नाउ इट्स चिली, वी आर फीलिंग अ लिटिल कोल्ड नाउ एंड वील गेट बैक फ्रॉम हियर टू द होटल एंड देन हैव सम वार्म क्लॉथ्स एंड आई नीड टू हैव सम फूड. काफी बेटर है. अब अपने अपनी फीलिंग बताते जाओ यार, किस तरह सबको फील हो रहा है? फील एक तो ठंडा फील हो रहा है, ठंडा. ये हमारा मौसम की फीलिंग है ये ना. अगर जो हम जब मनाली कहीं जाते हैं ना, वो हमारी फीलिंग आ रही है आज ये और अप्रैल में. जाडो लग रहा हो हट्टो. लेकिन यार हम मेरठ से निकल कर आए हैं एक दिन के लिए, तो हमें एक बहुत कूल वाली फीलिंग आ गई है. ये कौन आया है? ये तो टाइम नहीं था. चलो इधर से आ जाए. इधर से ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. चलो दिखा दो यार, नाराज हो जाएगा. इसके मम्मी पापा ने बहुत मिन्नत करके हमारे साथ भेजा है इसे.